एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बहुत प्रचलित कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से सोचते हैं, लेकिन एक फिल्म आ रही है जो शायद आपका नज़रिया बदलेगी। मेरे साथ गुरप्रीत गुग्गी है, मेरे साथ कपिल है, सर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। पापा कल तक तो मैं मर्चेंट नेवी सीगा। ना पुत, सारा कुछ ही भूल जा, हुन ना तू बस मैथ से जोर देना। डैडी मैं कहना कि अपन हफ्ता को ठहर के जोर दे लेने हैं। क्यों निकी बताओ, दोनों में जज बनना होवे। सर एक कहावत है जो बचपन से एक पेरेंट्स कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, खराब और, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, हम देख रहे हैं बहुत से स्पोर्ट्स। क्या यही इसकी ये जो हम कोट है, इसके इधर गिर्द है ये कहानी? ये जो कोट आपने बता दिया, हमारा प्लॉट जो है, हमारा आइडिया ये है कि बच्चे को जो वो करना चाहता है वो करने दे, तो एक बार देखो तो सही, वो करना उसकी बात तो सुन लो यार। बच्चे को जब पैदा होता है तो हमें फिक्र हो जाता है किस स्कूल में डालेंगे इसको, क्या सब्जेक्ट रखेगा, कौन सी स्ट्रीम में इसको प्लस वन प्लस टू करनी है, फिर इसको नॉन मेडिकल करनी है मेडिकल, पैदा होते ही डिसाइड कर लेते हैं। तो यार बच्चे को पैदा होने दो, बड़ा होने दो, उसके टेस्ट देखो, उसका देखो उसमें बेस्ट क्या है, उस पर काम करो। तो इसी पे हमारी पिक्चर है कि बच्चे में से हम बचपन छीन रहे हैं, बच्चे में से हम अपना जो रिश्ता है वो गायब हो रहा है, बच्चे का सिर्फ फ्यूचर लेके हम उस पर बड़ा बहुत कुछ लाद रहे हैं, उसी पे ये पिक्चर। कपिल, फादर सन पे कहानी है और आप अपने फादर के बहुत क्लोज रहे हैं, और पुलिस वाले मतलब पिटाई तो हम समझ रहे हैं कि जरूर बहुत हुई होगी, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ होती है जो मिस भी की जाती है। अब तो इसलिए यू टेकिंग, आप इससे जुड़े क्योंकि फादर सन का जो रिलेशन है आपके लिए, मैं मानता हूँ और सुना जाता है, इट्स जी बिल्कुल, मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिसके माँ बाप ने उनको सपोर्ट किया, और हम अपनी फिल्म के माध्यम से भी यही बताना चाहते हैं कि आपका बच्चा जो करना चाहता है, जो का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करना चाहता है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है या आपका बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको रोकिए, आपका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अगर आपका बच्चा, उसके स्पेशल स्किल्स हैं कुछ, यू नो, अगर सपोज़ अगर आर्ट सब्जेक्ट में आपका बच्चा पढ़ रहा है, जो हम नॉर्मली होता है मैट्रिक तक, तो आठ में से अगर एक सब्जेक्ट में वीक है उसको प्रेशराइज़ ना करें आप, क्योंकि जो बच्चा सात सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला रहा है या छः में अच्छे नंबर ला रहा है तो वो जानबूझ के तो ये कर नहीं रहा, तो ऑब्वियसली उसके इंटरेस्ट का नहीं है, सब्जेक्ट या उसके पल्ले नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे मेरा मैथ पल्ले नहीं पड़ता था मुझे, लेकिन आज ऊपर वाले की दया से मैं अब अच्छी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, लेकिन अलग स्किल्स हैं। सो बच्चे के साथ आप अच्छा ही चाहते हैं ऑब्वियसली अपने बच्चे का, लेकिन उसको भी समझें आप, एक उम्र तक आप उसको संभालते हो, गोद में उठाते हो 3-4 साल तक, उसके बाद बच्चा चलना शुरू करता है, जब बोलना शुरू करता है, जो हमारी फिल्म में बड़ा खूबसूरत डायलॉग है कि जब बच्चे तोतली जबान में बातें करते हैं, जब वो ना समझ होते हैं तब तो हमें बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन जैसे वो अपनी समझ के साथ कुछ बोलना शुरू करते हैं, हम लोग आर्ग्यू करते हैं उनके साथ कि नहीं नहीं तू सही नहीं है, मैंने जो तेरे लिए डिसाइड किया वो सही है, उनका भी सुने और मज़ा आएगा लाइफ। नज़रिया बदलेगा आपको लगता है, क्योंकि क्या फिर भी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये मिडिल क्लास, हम ये क्यों नहीं कहते, ये प्रॉब्लम्स रिच फैमिलीज में भी है, ये प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास को बोली जाती है, उससे नीचे बोली जाती है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नज़रिया बदलने में कामयाब शुरुआत है? बिल्कुल होगा सर, जो रिच फैमिलीज़ की आप बात करें उनके पास बहुत कुछ है, उनके बच्चे अगर नहीं भी स्कूल जाएंगे वो डिग्री खरीद भी सकते हैं, और ना भी खरीदेंगे तो दुनिया खरीद सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए बड़ी बात नहीं है कि कितना पढ़ें, ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन का भी पूछता है। लेकिन लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यही है, और इसी में अपनी ज़िंदगी ना हम ख़त्म कर रहे हैं, इसी में बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, बच्चों के साथ ज़िंदगी जीने का मज़ा ही भूल गए हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करना ही भूल गए हैं। अब कितनी शादियों में माँ इसलिए नहीं जाती कि मैं उस शादी में नहीं जाऊँगी, मुझे इसको पढ़ाना है, कितने फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने इवेंट ऐसे होते हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं कि नहीं इसकी ट्यूशन का टाइम है ना, फिर हम तो नहीं जा सकते। पर ज़िंदगी में से ज़िंदगी मनफी करके बच्चे को क्या बना लोगे आप? कमलो जी, बहुत नई चीज़ें दिवाली पे, बहुत सारे ब्लास्ट होने वाले, दिवाली से पहले भी ब्लास्ट होने वाला 12 तारीख को, एक अच्छी मूवी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई कपिल शर्मा अक्षय कुमार को फॉलो करें, क्योंकि बहुत आजकल जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, तो और इंस्पायर्ड भी है ट्विंकल खन्ना की एक बुक है, पजामा जो है एक फॉर एवर वाली एक बुक है, उससे भी आप काफ़ी इंस्पायर्ड हैं? वो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उस बुक के बारे में मैंने सुना है, वो ऐसे र्यूमर था वो न्यूज़, पर ऑब्वियसली अक्षय पाजी को उनके जैसा मैं 10% भी बन जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, पर क्योंकि मैं जेन्युइनली फ़ैन हूं उनका, और वो प्यार भी बहुत करते हैं, हमेशा गाइड करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद इतने बिजी हैं, सबसे ज़्यादा फिल्में करने वाले वही हैं, सो कोशिश कर रहा हूं जी थोड़ा ज़िंदगी को सही ट्रैक पे लाने की। दो क्वेश्चंस को मैं मिक्स करना चाहूँगा, क्योंकि कॉमेडी आप ला रहे हैं और
फ्लड करते हैं, मैंने कई बार देखा, लेकिन अच्छा लगता है देखते हुए। बट अब जो लेकिन जो दिसंबर की न्यूज़ है उसके बाद उस पर फुल स्टॉप लगेगा। सर कभी आपने ऐसा सुना है नारियल का पेड़ जो होता है वो सारी उम्र नारियल ही लगते हैं, उस पर कभी सुना है उस पर आम लग गए? इंसान की फितरत नहीं चेंज होती। मैंने बोला मैं हेल्दी, मेरा ये देखिए मैं ईव टीजिंग के बड़ा खिलाफ हूँ, ये छेड़खानी जो होती है उसमें सख्त खिलाफ हूँ, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, मेरी भी घर में बहन है माँ है, लेकिन ना ये जो खूबसूरती की तारीफ है ऊपर वाले ने किसी को, सपोज दीपिका है जो भगवान ने बड़ा खूबसूरत है तो होता है वो निकल जाता, रोक नहीं सकते आप। तो जी सर मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी अंदर चीज है जो निकल नहीं पा रही है? नहीं सर देखिए मैं हूँ थोड़ा अमृतसर में पला बड़ा हूँ, थोड़ा सोच सीधा बोल देता हूँ, पर मैं सच बोलता हूँ कि आप भी अंदर से वैसे ही तो ये इंसान थोड़ा कवर कर लेता, मैं थोड़ा खुल के बोल देता हूँ, पर ठीक है अच्छा हेल्दी। एक जो अक्षय पाजी मेरे शो में आए थे, उन्होंने जब होमा कृषि साथ में खड़ी थी तो मैं ऐसे कुछ बातें बातें कर रहा था, तो अक्षय पाजी ने बड़ी अच्छी स्पीच दी थी, कहते एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो तेरी फ्लडिंग जो है हेल्दी है तो वो है वो होती रहेगी सर। जी हमारे अंदर भी एक चीज़ है जो निकलती रहती है, हमेशा ब्रेकिंग ही निकलती रहती है न्यूज़, लेकिन अच्छी बात है हम देखते हैं आपको खिलखिलाते हैं आप और हंसते खेलते सबको हंसी का एक डोज देते हैं एंड देट्स अ कमेंडेबल जॉब, लेकिन कब लेके आ रहे हैं और कैसे दोबारा नए फॉर्मेट होगा और कैसे थोड़ा सा अगर बता पाएं सर? जी सर उसमें एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊं, मैं पिछले एक महीने से सन ऑफ मंजीत सिंह के ही हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही हैं, हालांकि इतना शेड्यूल ऐसा था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, कनाडा जाने वाले थे तो हम लोग जा नहीं पाए, सो फुल फ्लेज हमारा ध्यान अभी 12 तारीख तक है, उसके बाद मैं आपको जल्दी चैनल के साथ मीटिंग होगी और फिर डेट डिसाइड करेंगे। सेहरा भी सर जल्दी बांध रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि डेट कब है क्या, लेकिन अब लगता है कि कपिल का वो टाइम आ गया सेहरा बनने जी। पाजी क्या लगता है आपको? सर सेहरा हमने खरीद लिया है, बांध देंगे जल्दी। सर जाते जाते सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इमोशनल कॉन्सेप्ट है और हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा मैसेज जो आप देना चाहते हैं अपनी फिल्म के जी हमारे लिए। अजय देवगन साहब ने एक ट्वीट किया था, मैं बस उसी लाइन के साथ ये बात ख़त्म करूंगा कि लेट्स री इन्वेंट द एक्चुअल वे ऑफ पेरेंटिंग। तो अगर पेरेंटिंग को आप सही से समझना चाहते हो वो होती क्या है, हमने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां कर दी, कितना पैसा इन पे लगा दिया वो पेरेंटिंग नहीं है, कितना टाइम इनको दे दिया वो पेरेंटिंग नहीं है, इनको समझा अपनी बात इनको अच्छे से समझा पाए ये पेरेंटिंग है, तो इनके साथ हमने कितने पल अच्छे जिए अपने बच्चों के साथ, कितने खुशी के साथ जिए अपने बच्चों के साथ, वो पेरेंटिंग है, इसको समझना है। तो ये पिक्चर सन ऑफ मंजीत सिंह ज़रूर देखिए। कपिल सर आप इस फिल्म से जुड़े क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है, मैसेज बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगा कि जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये फिल्म आप जब देखेंगे, मेरी लाइफ में मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब बचपन से लेकर आज तक देखें ट्रैक जो होता है ईसीजी की तरह ऊपर नीचे जाता है, जब हम सामने होता कुछ देखते तब लगता है यार ये मेरे साथ भी हुआ है। तो ये फिल्म देखें आप, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करेंगे और आपको मजा आएगा देख के। हमसे बात करने का शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इमोशनल है, लेकिन आप जाइए फादर सन की जो एक जो रिलेशनशिप है वो जरूर आपके जहन में आएगा और नजरिया बदलेगा, ऐसा गुरप्रीत घुग्गी का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्र के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।